नमस्कार सभी पेंशन धारकों को। जितने पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं समय समय पर हरियाणा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट बड़ी खुशखबरी वहाँ के बीच में ला कर रहता हूँ। तो आज एक बार फिर से हरियाणा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी बड़ी अपडेट आई है। 25 अगस्त 2023 की बड़ी अपडेट आई है। 25 तारीख हो चुकी है। सभी बुजुर्गों को इंतज़ार है कि जो पेंशन है वो कब तक आपके खातों में डाली जाएगी। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो पेंशन है कब तक आपके खातों में डाली जाएगी और अपनी जो पेंशन है वो कैसे चेक करें और अगस्त महीने की पेंशन है कितनी आएगी और अगस्त महीने की पेंशन है वो कब तक आएगी। इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप समय समय पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन या अन्य कोई सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम चलाई जाती है जैसे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई भी स्कीम की जानकारी समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है वो दबा लें ताकि मैं इस चैनल पर कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि 25 अगस्त 2023 की क्या बड़ी अपडेट है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फैमिली आईडी को लेकर जिन लोगों की समस्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। जिन लोगों की फैमिली आईडी बनी हुई है, हरियाणा में सभी लोगों की फैमिली आईडी वो बनी हुई है, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ रहा है क्योंकि जो इनके अकाउंट में जो पैसे आते हैं उनकी वजह से जो इनकम है वो फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक है वो ज़्यादा हो जाती है और जिनके जो बिजली बिल है वो ज़्यादा आ जाता है गलती से या मिस्टेक से, जो बिजली विभाग द्वारा बिल है वो जारी कर दिया जाता है वो गलत आ जाते हैं, तो उनका जो फैमिली आईडी में इनकम है वो ऑटोमेटिक है बता दी जाती है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने जो फैमिली आईडी का डिपार्टमेंट है आपके जो तहसील में या जो भी आपका जो ज़िला लगता है वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है फैमिली आईडी वाला वहाँ से आप संपर्क करें। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या है, इनकम के लिए आप रिक्वेस्ट लगवा दें। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं। और जो अभी क्या है मेम्बर ऐड नहीं हो रहे हैं, जो आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें मेम्बर है अभी ऐड नहीं हो रहे और आगे 10 दिनों के अंदर अंदर जो मेम्बर ऐड है वो होने शुरू हो जाएंगे। तो ये फैमिली आईडी को लेकर बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो अब बात करते हैं पेंशन को लेकर। तो आज बड़ी खबर पेंशन को लेकर सामने आ रही है कि आपकी जो पेंशन आने वाली है इस महीने की वो 3000 रुपये मिलने वाली है। तो आपकी पेंशन है वो कब तक आने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पेंशन है वो अगले महीने की 5 तारीख से पहले पहले आपके सभी के खातों में डाल दी जाएगी। हो सकता है कि जिनकी जो पेंशन है रुकी हुई है 1-2 महीने से वो भी इस पेंशन के साथ आ जाए और जो अपनी पेंशन का स्टेटस है वो चेक करवा लें। जिनकी पेंशन रुकी हुई है तो उनको क्या है पेंशन का स्टेटस चेक करवा लें। आधार कार्ड से पेंशन का स्टेटस है वो चेक कर दिया जाएगा। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर पेंशन का स्टेटस है वो चेक करवा सकते हैं। उसमें भी बता दिया जाता है कि पेंशन आपकी कब तक आएगी आपके खातों में। तो अपनी जो पेंशन का स्टेटस है वो चेक करवाएं कि आपकी पेंशन नॉर्मल है या आपकी कैसे उसमें स्टेटस में क्या दिखा रहा है। आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो पेंशन है वो आपके खातों में देखने को मिल जाएगी। तो हरियाणा सरकार कह रही है कि इस साल आपकी जो पेंशन है वो 3100 रुपये है वो कट दी जाएगी। ये पता नहीं है कि कब तक आपकी 3100 रुपये पेंशन होगी, हाँ लेकिन आपकी जो नवंबर दिसंबर तक जाकर आपकी जो पेंशन है वो 3000 रुपये जरूर हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट थी हरियाणा पेंशन को लेकर। किसी भी प्रकार की पेंशन है उनके लिए ये सभी अपडेट है, चाहे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन है या कोई भी पेंशन है उनके लिए ये पूरी अपडेट थी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।